जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक नीट POIQ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन 2014 में आया था। द क्वेश्चन इज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मासेस M1, M2 एंड M3 कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली P। द मास M1 हैंग्स फ्रीली एंड M2 एंड M3 आर ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास M1 इज। ऑप्शन सर गिवेन हियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ये जो मास है ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा ए, एंड ये सिस्टम पूरा कॉमन एक्सीलरेशन ए से मूव करेगा, तो ए हमको फाइंड करना है। तो ये नीचे क्या फोर्स लगेगा, M1G, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, इधर भी लगेगा टेंशन, एंड इधर लगेगा फ्रिक्शन F2 एंड इधर फ्रिक्शन लगेगा F3, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन भी लेफ्टवर्ड होगा। ठीक है, तो तीनों का मास m है, तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू m दिया है। तो इधर ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा M2G, तो इधर लगेगा नॉर्मल n, इधर फोर्स लगेगा M3G। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू n। तो म्यू एन का वैल्यू कितना है, M2G। तो तीनों का मास सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी। F3 इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन। तो म्यू एन को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, M3G, तो म्यू इंटू M3G। तो F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू MG, क्योंकि यहाँ मास m दिया है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, तो M1G को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो M1G, और कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन लेफ्ट है पर फ्रिक्शन इधर राइट लग रहा है, एंड इसका ही फ्रिक्शन राइट लग रहा है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस F2 माइनस F3 एंड टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 प्लस M2 प्लस M3, तो M1G, F2 का वैल्यू कितना है, म्यू MG, F3 का वैल्यू कितना है, म्यू MG, भाई तीनों का मास सेम है, एम है, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3m। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1G माइनस 2μmg बाई 3m। तो M1 का मास भी कितना दिया है, m, क्योंकि तीनों का मास सेम है, तो mg माइनस 2μmg बाई 3m। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2μ हो जाएगा बाई 3m, m से m कैंसिल हो गया, g होल इंटू 1 माइनस 2μ बाई 3, दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।